हेलो डियर स्टूडेंट्स सो इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द जेनेटिक कोड सो नाउ ऑन द सेम लाइंस वी विल डिस्कस द टेबल फॉर द जेनेटिक कोड्स और जेनेटिक कोडॉन्स व्हिच इज़ टेबल नंबर सिक्स पॉइंट वन एंड देन वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड ठीक है तो इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो सेवेरो ओकोवा एक जापानीज साइंटिस्ट था उसकी फाइंडिंग्स जो एक एंजाइम थी फासफोरइलेज न्यूक्लियोटाइडेज अदर पॉली न्यूक्लियोटाइड फासफोरिलेज राइट तो पॉली न्यूक्लियोटाइड फासफोरिलीज ओकोवा का और नीरनबर्ग का जो सेल्फ्री सिस्टम था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसको तीनों ग्रुप ने मिल करके हरगोबिंद खुराना के साथ इस तरह से तीन ग्रुप जो हुए उन्होंने फिर पॉलीमर्स सिंथेसाइज़ किए दो तरह के होमोपोलीमर्स एंड कोपोलीमर्स और इस तरह से दे डिड लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विच आर चैलेंजिंग एज वेल एज इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज ह्यूज टास्क एंड इवेंचुअली वर एबल टू क्रैक द जेनेटिक कोड ठीक है तो जो जॉर्ज गैमो ने प्रपोज़ किया था कि 64 फोर कोडॉन्स जो है पॉसिबल हैं अगर थ्री बेस बेसिस का कोडॉन लिया जाए यानी ट्रिपलेट कोडॉन लिया जाए तो य, ये जो थेरेटिकल प्रपोजिशन था जॉर्ज गैमो जो कि एक फिजिसिस्ट था उसका वो प्रूव किया एक तीनों लोगों के ग्रुप में बाद में इन लोगों को इसके लिए नोबल प्राइज भी मिला ठीक है तो उस तरह से जो इन्होंने जेनेटिक कोड को डिटरमाइन किया उसी चीज़ को ये टेबल में डिटेल में दिया गया है ठीक है हियर यू हैव ऑल दीज सिक्सटी फोर व्हिच विच आर पॉसिबल यूजिंग ए ट्रिपलेट कोडॉन मेथड एंड दिस 20 ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स विच कोड फॉर द प्रोटीन्स दे आर गिवन हेयर इन दिस टेबल ओके मोर ओवर देयर आर थ्री स्टॉप कोडोन्स एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर तो जो तीन स्टॉप कोडॉन हैं वो भी ऑब्वियसली इसी सिक्सटी फोर कोडोन्स में से होंगे तो वो भी यहाँ पे दिए गए हैं ओके okay, तो देखते हैं हम सबसे पहले इस टेबल को आप कोशिश कीजिए कि याद कर लीजिए ओके okay, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ आप ये देखिए कि जो भी कोड्स हैं इसमें इस, इस कॉलम में जो फर्स्ट पोजीशन है ठीक है फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट कॉलम में है उसके बाद हॉरिजेंटल रोज में सेकेंड पोजिशन है ओके okay? एंड ये जो लास्ट में जो दिखा रहा है आपका थर्ड पोजीशन ये कॉलम थर्ड पोजीशन को दिखाता है पैटर्न सेम रखा गया है यू सी ए जी ओके यानी पहले ब्लॉक में यू आएगा सेकंड ब्लॉक में सी थर्ड ब्लॉक में ए फोर्थ ब्लॉक में जी एंड दीज लेटर्स आर डेजिग्नेटिंग द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट बेस पेयर तो यहां आप देखिए फर्स्ट में यू सेकेंड में सब में सी 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 है ठीक है थर्ड में सब में ए ए है फर्स्ट पोजीशन की हम बात कर रहे हैं हेयर इन द फोर्थ बॉक्स द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन इज जी 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 इन ऑल राइट तो ये हो गया यू सी ए जी आप याद रखिए यू सी ए जी पैटर्न इधर भी है यू सी ए जी ही यहाँ भी है अब ये सेकेंड पोजिशन बता रहे है, यानी सेकेंड पोजिशन में इस बॉक्स में राधर इस पूरे इन चारों बॉक्सेज में ठीक है सेकेंड पोजिशन में क्या होगा यू यहाँ भी आप देखिए सब में बीच में यू है राइट right? यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब सारे कोडोन्स में क्या है सी है ओके okay? इसी तरह से यहाँ पे सारे उसमें ए है राइट right? लास्ट जो कॉलम है यानी फोर्थ कॉलम ऑफ द कोडोन्स उसमें ऑल दीज फोर बॉक्सेस दे कंटेन जी इन द बेस बेस्ट पोजीशन, राइट तो फर्स्ट में हमने देखा कि यू है देखिए यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है यहाँ भी यू है यहाँ भी, भी यू है इसमें फिर हमने ये देखा इसी तरह से लास्ट में लास्ट जो थर्ड पोजिशन दिखा रहा है ये फिर अगेन सेम पैटर्न पर यू के पैटर्न पर आएगा तो यहाँ अकॉर्डिंगली देख लीजिए आप यू इसमें रख दिया गया है ठीक है तो जो किसी भी बॉक्स का जो फर्स्ट कोडॉन है उसमें लास्ट में यू होगा सेकेंड कोडॉन में सी होगा थर्ड में ए होगा और फिर फोर्थ में जी होगा यही पैटर्न फॉलो होगा सब में यूसीएजी 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 आप कहीं भी उठा के देख लीजिए यूसीएजी तो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट दिस बॉक्स एंड रिमेंबर दिस बॉक्स ओके सो फर्स्ट लेटर यू सी ए जी देन सेकेंड लेटर यू सी ए जी थर्ड लेटर यू सी ए जी सो इफ यू टेक दिस थ्री लेटर्स इन दिस सिस्टमेटिक वे देन यू कैन मेक ऑल द कॉम्बिनेशन दैट मीन्स ऑल द सिक्सटी फोर पॉसिबल कोडॉन्स ओके नाउ इन दिस वे व्हाट पैटर्न यू आर गेटिंग दिस इज अ फिक्स पैटर्न अगर आप ये रूल ये को फॉलो करते हैं तो आप में से हर किसी को यही पैटर्न यही टेबल मिलेगा राइट right? तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जो सबसे पहला दो कोडॉन्स हैं वो हो गया फिनाइल एलानिन ठीक है यू 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 एंड यू यू सी विल बी फिनाइल एलानिन उसके बाद देखिए यू यू ए यू यू जी ये हो गए ल्यूसिन तो फर्स्ट बॉक्स के लास्ट टू कोडॉन्स हो गए ल्यूसिन ओके उसके बाद जो ये सेकेंड बॉक्स है यहाँ फर्स्ट रो में सेकेंड बॉक्स सॉरी फर्स्ट कॉलम में सेकेंड बॉक्स जो है इसमें जो चार कोडोन्स हैं सी यू यू सी यू सी सी यू ए सी यू जी ऑल दिस फोर कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर द ल्यूसिन तो इस तरह से ल्यूसिन के लिए दो यहाँ थे और चार यहाँ तो कितने हो गए फोर न्यूक्लियोटाइड्स आर फोर कोडोन्स आर कोडिंग फॉर ल्यूसिन अमाइनो एसिड राइट तो पहले फिनाइल एलारिन हो गया फिर सिक्स जो है हो गए ल्यूसिन के लिए उसके बाद ये थ्री हो गए आइसोल्यूसिन के लिए फिर ए यू जी यहाँ पे जो लास्ट में इधर देखिए इस बॉक्स में ये हो गया मिथायोनिन के लिए उसके बाद ये चारों वायलिन के लिए हो गए तो फिनाइल एलारिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन मिथायोनिन एंड वायलिन ये हो गया फर्स्ट कॉलम ऑफ द बॉक्सेस सेकेंड कॉलम ऑफ द बॉक्सेस में फर्स्ट फोर हैं ये सेरिन के लिए हैं नेक्स्ट फोर प्रोलिन के लिए नेक्स्ट फोर थ्रियोनिन के लिए एंड द लास्ट फोर आर फॉर अलानी नमाइनो एसिड ओके सिमिलरली इन द थर्ड कॉलम ऑफ दिस बॉक्सेस फर्स्ट टू फर्स्ट टू कोडॉन्स आर फॉर टाइरोसिन एंड देन यू ए ए एन यू ए जी फॉर स्टॉप कोडाउन देन सी ए यू सी ए सी आर फॉर हिस्टडिन सी ए ए ए सी ए जी आर फॉर ग्लूटामिन यहाँ भी बुक में आपको दिख रहा है जी आई एन ठीक है बट आप इसको करेक्ट कर लीजिए दिस विल बी जी एल एन ओके तो एल होगा ग्लूटामिन के लिए तो ग्लूटामिन के लिए होता है जी एल एन और ग्लूटामेट के लिए होता है जी एल यू तो ये ग्लूटामीन का है जी ए सी ए ए और सी ए जी ये जो है दोनों कोडन्स ग्लूटामिन के लिए कोड करते हैं ओके उसके बाद जो थर्ड बॉक्स है इस कॉलम का उसमें होगा ये फर्स्ट टू एस्पारजिन के लिए है ओके इस्पारजीन का ए एस एन जो है कोड है एसिड का ठीक है और आ, एस्पार्टेट का क्या है ए एस पी तो ये आपको एसिड के भी कोड्स याद रखने हैं ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है और जो आ, कोडोन्स हैं इसको भी याद रखना है आपको ठीक है ये हमें अमाइनो एसिड वाला हमें लास्ट ईयर सिलेबस में जो था आपके बायो मोलिकुल्स उससे रिलेटेड है तो दिस इज़ हाउ इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर नीट सिलेबस सो यू मस्ट नो दिस थ्री लेटर कोड्स फॉर ऑल द ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स एज वेल ओके उसके बाद ये देखिए ए और ए जी ये हो गए दोनों लाइसिन के लिए उसके बाद जो फोर्थ बॉक्स है थर्ड कॉलम ऑफ बॉक्सेस का उसमें फर्स्ट टू हो गया स्पार्टेट के लिए या इस्पार्टिकसिड के लिए लास्ट टू हो गया ग्लूटामेट के लिए अगेन फिर देखिए यहाँ पे लास्ट उसमें देखिए यू जी यू एंड यू जी सी ये सिस्टीन के लिए हो गया फिर स्टॉप कोडॉन और फिर यू जी जी हो गया ट्रिप्टोफान के लिए इसी तरह से फिर आर्जिन के लिए है फिर सेरिन के लिए है फिर ये दो आर्जिन के लिए हैं और ये लास्ट में जो है जी जी यू जी जी सी जी जी ए जी 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 ये हो गया ग्लाइसिन के लिए ठीक है तो ये तो मैंने आपको डिस्क्राइब किया बॉक्स अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं देखिए यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट है समझना वो ये है कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके सिंगल कोडॉन है जैसे आप ये देख लीजिए ए यू जी मिथायनिन अमाइनोसिड के लिए देर इज़ अ सिंगल कोडॉन इच्स कोड्स फॉर मिथायोनिन देर इज नो अदर कोडॉन फॉर मिथायोनिन ओके बट देर आर सम फॉर विच देर आर सेवरल कोडॉन्स आप ल्यूसिन के लिए देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिक्स कोडॉन्स हैं ल्यूसिन के लिए सेम ओमाइन एसिड के लिए सिक्स कोडॉन्स हैं तो ये फीचर हो गया इसी तरह से आप एक फीचर ये देखिए कि हर कोडॉन आप ये सिक्सटी फोर में से किसी भी एक कोडॉन को पिकअप कर लीजिए लेकिन दैट पर्टिकुलर कोडॉन विल बी कोडिंग फॉर ओनली वन एंड वन अमाइनो एसिड फॉर एग्जाम्पल यहाँ ट्रिपल ए जो है ये सिर्फ लाइसिन के लिए कर रहा है तो ट्रिपल ए जहाँ भी होगा वहाँ सिर्फ और सिर्फ लाइसिन अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा ठीक है तो लाइसिन के लिए आपके पास वैसे यहाँ पे लाइसिन के लिए आपके पास इस बॉक्स में कितने दिख रहे हैं दो कोडॉन दिख रहे हैं ठीक है लेकिन अगर आप सिर्फ लाइसिन का एक कोडॉन ले लें तो दैट विल कोड ऑलवेज फॉर दी लाइसिन तो ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न अवॉइड करना है और ये आपको ध्यान रखना है जो स्टॉप कोडोन्स हैं वो देख लीजिए थ्री स्टॉप कोडोन्स हैं यू ए ए यू ए जी एंड यू जी एक है तो ये आप को याद करना ईजी है यू ए ए उसके बाद यू ए जी और यू जी ए ये तीनों स्टॉप कोडोन हो गया ये इम्पोर्टेंट है उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है ए यू जी ये मिथायोनिन के लिए कोड करता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इसमें से एक चीज और आप ध्यान से देखिए कि कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं जहां पे थर्ड न्यूक्लोटाइड पोजीशन क्या है उस कोडोन का दैट इज इमटेरियल राइट यानी सिर्फ जीसी है तो उससे अलानिन रहा है यानी GCU, GCC, GCA, GCG ऑल फॉर पॉसिबिलिटीज यानी जी अगर जस्ट है तो वही डिसाइड कर दे रहा है कि इट विल बी अलानिंग राइट यानी द थर्ड पोजिशन ऑफ द कोडोन इज नॉट मैटरिंग एक्चुअली तो आप यहाँ पे एक अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कोडोन है जहाँ पे थर्ड बेस बेस्पियर का न्यूक्लियोटाइड जो है उस कोडोन में अगर म्यूटेशन से चेंज होता है तो उसका माइनोसिड ये क्या होगा सेम रह जाएगा राइट यानी अगर आपके पास जी सी ए पहले है न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस में ये जो लास्ट का ए है इसका म्यूटेशन होकर के ये मान लीजिए जी बन गया तो स्टिल वाट टेवर द माइनो एसिड इट वॉज दैट इज अलानिन नाउ आफ्टर द म्यूटेशन ऑल्सो इट विल बी अलानिन ओनली राइट बिकॉज जी सी हैज चेंज टू जी सी जी आफ्टर द म्यूटेशन सो दीज काइंड ऑफ द म्यूटेशंस आर कॉल्ड ए साइलेंट म्यूटेशंस ठीक है साइलेंट म्यूटेशंस तो मैं आपको ये टर्म बता दूँ साइलेंट म्यूटेशन यानी जहां पे अमाइनो एसिड सेम रह जाए लेकिन न्यूक्लियोटाइड का पोजीशन चेंज हो जाए उसको साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं ठीक है इसी तरह से अगर कोई अमाइनो एसिड ऐसा है मान लीजिए आपके पास ये यू ए सी है ठीक है अब ये सी का म्यूटेशन होकर के अगर ए हो जाए थर्ड पोजीशन पे तो क्या होगा ये टायरोसिन जो पहले कोड हो रहा था नाउ दिस विल चेंज इन टू द स्टॉप कोडन इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक पहले से जो आर का सीक्वेंस है वहाँ पे एक ग्रोइंग चेन है एक सर्टन सीक्वेंस ऑफ एसिड्स है लेकिन अब जो बीच में ये स्टॉप कॉडोन आ गया उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा इन अदर वर्ड्स आपको मैं ये डायग्राम एक छोटा सा बना के समझाता हूँ ये आपके पास एक एम है मान लीजिए ठीक है और इस एम से एक सटे चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स ये बन रहा था और इस तरह से आपको एक पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस मिला और इससे आपको फाइनली प्रोटीन मिला राइट right? अब अगर यहाँ पे आपने एक स्टॉप कोडन बीच में कहीं जनरेट कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा ये जो अब सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स होगा वो यहाँ पे आकर के स्टॉप हो जाएगा इसी पोजिशन पर क्योंकि स्टॉप कोडाउन आ गया ये इतना जो लेंथ है यहां पे इसका ग्रोथ नहीं होगा ये इतना सिंथेसिस नहीं होगा दैट मीन्स इट विल ट्रंकेट द पॉलीपेप्टाइड चेन ठीक है दिस सो इस दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन वेर देर इज अ ट्रंकेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन बिकॉज देयर आर अ स्टॉप कोडन दोज म्यूटेशंस आर कॉल्ड कॉल्डेज मिससेंस म्यूटेशंस

तो मिस सेंस में होगा कि जो सेंस उसका है वो चेंज हो जाएगा मिस सेंस मेटेशन में होगा मान लीजिए टायरोसिन से आपका अगर फॉर एग्जांपल यू ए सी से अगर यू जी सी बन जाए तो टायरोसिन से आपको मिल जाएगा सिस्टीन ठीक है जैसे यू ए सी से अगर यू जी सी बन गया तो टाइरोसिन से सिस्टीन बन गया यानी सेकेंड बेसपे बेस्ट पेर बेस्ट पोजिशन पर अगर चेंज हुआ है तो इसमें क्या हो इस तरह के म्यूटेशन को बोलेंगे मिससेंस म्यूटेशन तो साइलेंट म्यूटेशन में कुछ चेंजेस नहीं होगा सिर्फ न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा प्रोटीन सेम रहेगा ठीक है एसिड सीक्वेंस सेम रहेगा नॉन सेंस म्यूटेशन में क्या होगा देखिए सेंस सेंस का मतलब क्या है हमने देखा था सेंस स्ट्रेंड एंटी सेंस स्ट्रेंड राइट टेम्पलेट स्ट्रेंड या कोडिंग स्ट्रेंड तो जो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं ठीक कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं यानी कि सेंस क्या है वाट एवर इज दाइनो एसिड दैट इज दैट इज मेकिंग सेंस दैट इज द सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कोडॉन राइट सो इफ ए कोडॉन विच इज मेकिंग सेंस फॉर एन अमाइनो एसिड गेट्स अल्टर्ड इन सच अ वे दैट इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस फॉर एनी अ एसिड दैट मीन्स इट हैज बिकम नॉन सेंस राइट

तो आपने इस तरह से देखा कि जो थर्ड बेस पेयर का पोजीशन है मैनी फॉर मैनी ऑफ द रादर फॉर मैनी ऑफ द कोडोन्स और फॉर मैनी ऑफ द अमाइनो एसिड्स द पोजिशन ऑफ द फोर्थ बेस इन द कोडोन डज नॉट मैटर दैट मीन्स इट विल कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड और एक ऑब्जर्वेशन आप इससे बना सकते हैं कि फॉर मैनी ऑफ द कोडोंस यू कैन सी दैट दी देखिए आप यू और सी ये क्या है यूरिडिन और साइटोसिन ये दोनों क्या हैं पायरेमिडिन ए और जी एडिन एंड ग्वानिन ये क्या है एडिन एंड ग्वानोसिन ये जो है एडिनिन एंड ग्वानिन जो है यह प्यूरिन तो पहले पायरीमडिन फिर प्यूरिन यहाँ पहले पायरेमिडिन फिर प्यूरिन इसी तरह से थर्ड पोजिशन में भी पहले आप पायरेमिडिन ले रहे हैं फिर प्यूरिन ले रहे हैं तो आप ये देखिए कि जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट बॉक्स लेते हैं फर्स्ट टू बेस पेयर पोजिशन रदर आप ये देखिए फर्स्ट बेस पेयर पोजिशन एंड सेकेंड बेस पोजिशन ये सेम है ठीक है तो जब प्यूरिन है यानी कि यू और सी सॉरी यहाँ पे यू और सी पायरीमिडिन है राइट तो जब पायरीमिडिन है तो फिनाइल है प्यूरिन है तो ल्यूसिन है राइट यहाँ पे देखिए थर्ड बेस पेयर थर्ड बेस पोजीशन क्या है दैट इज इम मटेरियल वो सभी ल्यूसिन है राइट लेकिन आप दूसरा एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे देख लीजिए इसमें यू ए यू यू ए सी यहाँ जब थर्ड बेस पे बेसिस थर्ड बेसिस जो हैं निकोडॉन के वो जब पायरेमिडीन है तो टायरोसिन है प्योरीन है तो स्टॉप कोडॉन बन गया इसी तरह से यहाँ पे देखिए जब पायरिमिडीन है तो हिस्टिडीन है प्योरीन है तो ग्लूटामिन है राइट तो इस तरह से एक ये भी पैटर्न हो गया इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि इफ इफ थर्ड बेस पोजिशन ऑफ द कोडॉन म्यूटेट्स बट इफ पायरेमिडीन म्यूटेट्स इन टू अनदर पायरेमिडीन देन देर आर हाई देर आर हाई चांसेस दैट द अमानो एसड विल भी सेम लेकिन अगर ये पायरिमिडीन जो है म्यूटेट हो के प्योरिन बन जाए या प्योरीन म्यूटेट होकर पायरिमिडीन बन जाए देन मैनी ऑफ द टाइम्स द अमाइनो एसड विल ऑल्सो चेंज राइट तो ये एक जनरल रूल आप स्टेबल से डराइव कर सकते हैं तो इस तरह से इस्टेबल के बहुत सारे फीचर्स हैं इसको आपको अच्छे से समझना है ओके okay? आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिए अब एक चीज़ ये है कि इसको कौन सा एसिड के लिए कौन सा कोड कर रहा है इसको याद कैसे रखा जाए इसके लिए बहुत सारे नेमोनिक्स हैं बहुत सारे ट्रिक्स हैं मैं आपको एक ट्रिक यहाँ बताता हूँ जो ये फर्स्ट थ्री कॉलम से, ये फर्स्ट कॉलम हो गया ठीक है तो फर्स्ट कॉलम ऑफ द बॉक्सेस सेकेंड कॉलम ऑफ द बॉक्सेस थर्ड कॉलम ऑफ द बॉक्सेस फोर्थ कॉलम ऑफ द बॉक्सेस राइट तो फोर कॉलम्स ऑफ द बॉक्सेस एंड फोर रोज ऑफ द बॉक्सेस दिस इज हाउ यू हैव टोटल बॉक्सेस ईच बॉक्स कंटेनिंग फोर कोडॉन्स दिस इज हाउ यू हैव टोटल सिक्सटीन इंटू फोर इज इक्वल टू सिक्सटी फोर कोडॉन्स राइट तो हमने ये चार फार्मूले लिखे हैं और ये चारों जो फोर कॉलम्स ऑफ द बॉक्सेस हैं उनके लिए अप्लाई होगा आप ये फार, पहला फार्मूला देखिए फेलिम वेल, फेलिम वेल, फेलिम वेल फे का मतलब हो गया फिनाइल उसके बाद एल फेलिम वेल, ठीक है एल हो गया ल्यूसिन के लिए तो पहला दो फिनाइल आएगा उसके बाद ल्यूसिन आएगा उसके बाद आई फॉर आइसोल्यूसिन ओके उसके बाद एम एम फॉर मिथानिन आपको ये ए तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबको याद होना चाहिए कि ए यू जी कोड फॉर मिथायोनिन तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे मिथायोनिन है ठीक है और आइसोल्यूशन जो है दिस इज द ओनली एसिड विच हैज़ थ्री कोडॉन्स ठीक है तो ये तीनों हो गया आइसोलेशन के लिए तो पहला दो फिनाइल वाला उसके बाद जितने बचे आइसोल्यूसिन ये एयू जे मिथायनिन है इसके बीच वाले ये जो होंगे इस बॉक्स के रिमेनिंग होंगे आइसोल्यूसिन और लास्ट में हो गया वायल मीन्स वायलिन तो फेलिम वायल इस कॉलम के लिए फिनाइल अलिन ल्यूसिन आइसोल्यूसिन मिथायोनिन एंड वैलिन तो ये हो गए इसके अमानो एसिड्स अब ये कैसे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये कोडॉन्स कैसे जनरेट करते करने हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ठीक है यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यह पैटर्न आप फिट करोगे उसके बाद फेलिम वायल का फार्मूला लगा दोगे तो ये आपको फ़ौरन आप निकाल सकते हो बहुत ईजीली जो सेकेंड कॉलम है उसके लिए फार्मूला है सेप्टा आप सेकेंड कॉलम में देखें एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सेकेंड कॉलम में जो भी फोर बॉक्सेस हैं ऑल फोर बॉक्सेस आर कोडिंग फॉर ओनली फोर अमाइनो एसिड्स ठीक है फर्स्ट बॉक्स के पूरा एक अमाइनो एसिड सेकेंड बॉक्स पूरा एक अमाइनो एसिड तो दिस इज द ओनली कॉलम वी वेयर ऑल द बॉक्सेज आर कोडिंग फॉर ईच बॉक्स फॉर ईच वन अमाइनो एसिड तो सेप्टा सेप्टा में जो एस ई हो गया वो हो गया सेरिन के लिए पी है प्रोलिन के लिए और टी जो है थ्रायोनिन के लिए हो गया थ्रायोनिन हो गया टी उसके बाद ए और एलानिन तो सेप्टा से आप इसको याद रख सकते हैं सेरिन प्रोलिन थ्रियोलिन थ्रियोनिन एलानिन उसके बाद जो थर्ड कॉलम है और फोर्थ कॉलम ये रिलेटिवली अब थोड़ा सा ट्रिकी है इसको मैंने ये दिया है टिश जलज ओके टिश जलज थर्ड कॉलम में आप को और फोर्थ कॉलम में आपको ये याद करने में ये इजी ट्रिक अपना सकते हैं कि यू ए जी यू ए ए और यू जी ए स्टॉप कोडन है ये आपको अलग से याद रखना है ये सबको याद रहता ही है ठीक है ए यू जी और स्टॉप कोडन यानी इनिशिएटर कोडन और स्टॉप कोडन तो टिश जलज तो टिश में जो टी वाई है उससे हो गया टाइरोसिन तो पहला हो गया टाइरोसिन उसके बाद एस जो है वो हो गया स्टॉप कोडन के लिए तो टाइरोसिन एस फॉर स्टॉप स्टॉपकोडॉन उसके बाद टिश में जो एस के बाद एच है वो दैट इज फॉर हिस्टेडीन ठीक है टाइरोसिन स्टॉपकोडॉन हिस्टेडीन उसके बाद जलज में तो जो फर्स्ट जो है वो हो गया ग्लूटामिन उसके बाद ए फॉर एस्पार्जिन तो ग्लूटामिन स्पार्जिन ये दोनों जो है क्या है ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के अमाइड्स अमाइड अमाइनोसिड से ठीक है तो ग्लूटामेट और एस्पारीन उसके बाद फिर एल फॉर लाइसिन तो ये दोनों लाइसिन के हो गया उसके बाद फिर जलज में फिर लास्ट में जो ए जी आया तो पहला जो ए जी है पहला जी ए है वो हो गया अमाइड के लिए बाद में जो है वो एसिड के लिए हो गया तो एसिड में क्या है एस्पार्टेट और ग्लूटामेट यानी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड राइट सॉरी तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला जो है जी ए वो आ रहा है अमाइड अमाइनोसिड्स के लिए और लास्ट में जो ए जी आ रहा है वो एसिडिक अमाइनोसिड्स के लिए तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के लिए थर्ड और फोर्थ कॉलम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि एवरी टू एवरी टू कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट अमाइनोसिड पहला दो टाइरोसिन के लिए नेक्स्ट टू स्टॉप कोडॉन नेक्स्ट टू हिस्टेडिन नेक्स्ट टू ग्लुटामिन नेक्स्ट टू स्पार्जिन नेक्स्ट टू लाइसिन नेक्स्ट टू एस्पार्टेट नेक्स्ट टू ग्लूटामेट यानी कि यहाँ पे दो दो का ग्रुप है दो दो का पेयर है ठीक है टू प्योरिन लास्ट फोर लास्ट वाला जो थर्ड बेस बेस पोजिशन है उसके हिसाब से देखें तो पहला जो दो है वो क्या है पायरेमिडिन फिर प्योरिन फिर पायरेमिडिन फिर प्योरिन फिर पायरेमिडिन फिर प्योरिन फिर पायरेमिडिन फिर प्योरिन और उसी हिसाब से ये जो इसका अमाइनोसिड्स है वो है तो ये हो गया टिश जलज उसके बाद फोर्थ कॉलम के लिए सिस्ट्रासेग तो सिस्ट्रा साइक अगेन यहाँ पे स्टॉप कॉडन है आप उसको पहले एस यू जी ए स्टॉप लगा दीजिए तो सिस्ट्रा सी वाई वो हो गया सिस्टीन के लिए तो सिस सी वाई उसके बाद एस हो गया स्टॉप के लिए ट्रा तो टी आर वो हो गया ट्रिप्टोफेन के लिए यू जी जी जो है ये ट्रिप्टोफेन के लिए तो आप देखिए ए यू जी ये मिथायोनिन के लिए है टी यू जी जी ये ट्रिप्टोफेन के लिए ट्रिप्टोफेन के लिए भी सिंगल सिंगल वो है एसिड के लिए भी आपको सिंगल सिंगल कोडॉन है ठीक है तो सिस्ट्रा तो ए से हो गया आर्जिनिन नेक्स्ट बॉक्स जो है वो आर्जिनिन के लिए हो गया उसके बाद सैग तो सेग में पहला हो गया सेरिन फिर आर्जिनिन और फिर ग्लाइसिन ओके तो ये आपको पैटर्न ध्यान में रखना है उसके बाद अगर हम ऐसे बॉक्सेस की बात करें जिसमें ऑल द फोर कोडॉन्स आर कोडिंग ओनली फॉर सेम अमानो एसिड एंड फॉर दैट पर्टिकुलर अमाइनो एसिड देर आर ओनली फोर कॉडन्स तो आप ये देखिए जो प्रोलिन है उसके लिए सिर्फ फोर कोडॉन्स हैं ठीक इसी तरह से थ्रीयनिन के लिए सिर्फ फोर कॉडॉन है राइट वायलिन के लिए सिर्फ फोर कोडॉन है राइट और आप देखिए अलानिन के लिए भी सिर्फ फोर कोडॉन है और ग्लाइसिन के लिए भी फोर कोडॉन है ठीक सेरिन के लिए फोर यहाँ है और दो यहाँ पे हो गए इसलिए सेरिन दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है फोर प्लस टू सिक्स कोडॉन हो गए सेरिन के लिए इसी तरह से आर्जिनिन के लिए फोर यहाँ है और टू यहाँ तो सिक्स कोडॉन्स हो गए आर्जिनिन के लिए ओके ल्यूसिन के लिए टू यहाँ और फोर यहाँ सिक्स कोडॉन हो गए ल्यूसिन के लिए आइसोलेशन इज द ओनली अमाइनो एसिड अमाइन हैज थ्री कोडॉन्स राइट तो इस तरह से आई थिंक कि नाउ दिस टेबल इज़ प्रटी मच क्लियर टू यू एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट एंड आपको मैं ये होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इसको ये टेबल को नीटली अपने नोटबुक में इसको ड्रा कीजिए ठीक है ये फार्मूला लिख लीजिए और इसको लर्न बाय हार्ट कर लीजिए मेमोराइज़ कर लीजिए नाउ लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ दिस जेनेटिक कोड टेबल और द जेनेटिक कोड तो जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड सबसे पहले हमने देखा कि देर आर टोटल सिक्सटी फोर कोडॉन्स आउट ऑफ द सिक्सटी फोर सिक्सटी वन कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर द अमाइनो एसिड्स एंड थ्री कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर स्टॉप कोडॉन्स एंड स्टॉप कोडॉन्स आर यू ए यू ए जी एंड यू जी ए तो ये हो गया फर्स्ट फीचर दैट आउट ऑफ द सिक्सटी फोर कोडॉन्स पॉसिबल सिक्सटी वन सिक्सटी वन कोडोन्स आर कोडिंग फॉर द अमाइनो एसिड्स एंड दे आर सेंस कोडॉन्स एंड थ्री कोडॉन्स आर कोडिंग फॉर द स्टॉप कोडॉन्स दैट मीन्स दे आर द नॉन सेंस कोडॉन्स राइट सेकेंड फीचर हो गया दस आर डिजेनरेट इन नेचर और जेनेटिक कोड इज डिजेनरेट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और नीट वगैरह के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है तो वाट इज डिजनरेट डिजेनरेसी का मतलब ये होता है कि किसी एक गिवेन अमाइनोसिड के लिए देर आर मल्टीपल कोडॉन्स इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि डिजेनरेट कोडॉन्स तो डिजेनरेट का मतलब हुआ कि देर आर मैनी कोडॉन्स फॉर वन अमाइनो एसिड फॉर एग्जाम्पल हमने देखा प्रोलिन के लिए चार कोडॉन्स हैं सी सी यू सी 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 ए सी सी जी तो ये हो गया डिजेनरेट कोडॉन का एग्जाम्पल ठीक है डिजेनरेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को इसलिए आपको इसको स्पेशली आपको ध्यान रखना है डिजेनरेट कोडा उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक कोडॉन अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक का मतलब कि वन कोडॉन को इज कोडिंग ओनली फॉर वन अमाइनो एसिड कोई भी कोडॉन ऐसा नहीं है कि उस कोडाउन के लिए कहीं पर पहले कोई एक अमाइनो एसिड हो दूसरी सिचुएशन में कोई दूसरा अमाइनो एसिड अगर एक कोडाउन है जैसे कि UGA ए तो UGA ए स्टॉप कोडाउन है हमेशा हमेशा स्टॉप कोडाउन ही रहेगा ठीक है ए यूजी मिथायोनिन है ऑलवेज इट विल बी मिथायोनिन ओनली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म राइट तो वन कोडाउन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओनली वन एंड वन

सो ए यू जी इज कोडिंग फॉर मिथेनिन नॉट ओनली इन यू कैरिवर्स बट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स इट विल कोड फॉर द मिथेनियन ओके सो सिमिलरली लाइक आर्जेन इज कोडेड बाई ए जी ए ए एजीजी एट्सेट्रा सो ए जी ए विल ऑलवेज कोड फॉर आर्जेनिन वॉट एवर ऑर्गेनिज्म इट इज ओके सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इज यूनिवर्सल यानी जो कोडॉन है उसका जो लैंग्वेज है उसका इंटरप्रटेशन वो सब जगह सेम होगा आप चाहे आप एक डॉग ले लीजिए चाहे आप बफेलो का ले लीजिए चाहे कोई और सेल टाइप ले लीजिए एवरीवेयर दिस कोडॉन्स विल हैव द सेम मीनिंग ओके बट नियरली जो टर्म लगा है वो किस लिए लगा है तो एक्चुअली इसका रीज़न ये है नियरली यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है कि देर आर फ्यू कोड्स फ्यू कोडॉन्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच डिफर अ लिटिल बिट फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कोई एक पर्टिकुलर कोडाउन ले लीजिए वो किसी अमानोसिड मान लीजिए फॉर फॉर अमाइनोसिड एक्स जो है कोई एक कोडाउन कोड कर रहा है माइटोकॉन्ड्रियामे फॉर सम अमाइनोसिड इट इज अचुएशन दैट दैट सेम कोडॉन विल भी कोडिंग नॉट फॉर एक्स अमाइनोसिड बट फॉर वाई अमाइनोसिड यानी वहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं वो दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे आप ये समझ लीजिए कि ये जो कोडॉन्स हैं इनका लैंग्वेज इनका कोडिंग यूनिवर्सल है बट माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ कोडॉन्स का मीनिंग डिफरेंट होता है डिफर कर जाता है इसी तरह से देर आर सम प्रोटोजोन्स ठीक है तो सम प्रोटोजोन्स ऑल्सो अ डिफरेंट मीनिंग फॉर सम कोडॉन्स सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट नियरली यूनिवर्सल देर नो पंक्चुएशंस और कंटीगूस कोडोन्स और कंटिन्यूस कोडिंग इसका मतलब ये हुआ कि वेन एवर यू हैव न्यूक्लियोटाइड्स यू हैव ए सीक्वेंस ऑफ द डी एन ए राइट ए सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विल है यानी कि आपके पास यू 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 सी ए यू सी जी सी ए ए ए सी जी ए सी ए ए ए सी कुछ इस तरह से होगा सीक्वेंस वाट एवर तो जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कुछ ना कुछ कोडॉन को कोड कर रहे हैं कुछ ना कुछ एसिड के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो कंटिनुअस इंफॉर्मेशन होगा ऐसा नहीं कि हाँ पहले तीन अमानो एसिड पहले तीन न्यूक्लियोटाइड्स ने एक एसिड के लिए कोड किया उसके बाद बीच में एक न्यूक्लियोटाइड वो कॉमा लगा देगा या उसके लिए उसका कोई मीनिंग नहीं होगा उसके बाद के फिर तीन एसिड तीन न्यूक्लियोटाइड्स किसी और एसिड के लिए करेंगे ऐसा सिचुएशन नहीं होगा यानी वंस योर कोडिंग स्टार्ट्स यू विल जस्ट कीप काउंटिंग थ्री थ्री बेसिस एंड ट्रिप्लेट कोडॉन्स की तरह से आप उसको देखते चले जाइए और वो पूरा अकोडिंग जो रीजन है आप उसकी बेसिस पे आप उसको न्यूक्लियोटाइड को पता कर सकते हैं ठीक है पंक्चुएशन यहाँ पे टर्म इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक ए लैंग्वेज लाइक यू हैव इंग्लिश लैंग्वेज और यू हैव हिंदी लैंग्वेज और यू हैव मराठी लैंग्वेज सिमिलरली यू हैव ए लैंग्वेज ऑफ द डी एन ए विच हैज़ फोर लेटर्स राइट एंड यू हैव ए लैंग्वेज ऑफ द प्रोटीन्स विच हैज ट्वेंटी लेटर्स राइट यानी कि जो डीएनए में फोर न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन वाट एवर इज स्टोर्ड इन साइड द डीएनए सिमिलरली ऑल द प्रोटीस आर मेड अप ऑफ द ट्वेंटी अमो एसिड्स एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इन काइंड्स ऑफ द प्रोटीन्स अवेलेबल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ राइट सो यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ द डीएनए इन टू द लैंग्वेज ऑफ द प्रोटीन्स So it is a kind of language and you are translating using these codes or genetic codons, right? So whatever language is there, usually for all the language, there will be some punctuation mark, some stop, then some uh, paragraph changes, right? So here also, because this is language, so there is a stop, any stop codon, right? But there is no punctuations, right? सो so, इस लैंग्वेज में डीएनए और प्रोटीन की लैंग्वेज में कोई पंक्चुएशन नहीं स्टॉप कोडॉन है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कोडिंग आपका वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा लेकिन पंक्चुएशन या कॉमा नहीं है कोई भी ओके okay? ये हो गया इसका मीनिंग उसके बाद इनिशिएटर कोडॉन का मतलब क्या है ए यू जी स्टैंड फॉर मेथायोनिन अमोसिड बट एम आर एन ए में कोई भी एम आर एन ए उसमें जो फर्स्ट ए यू जी होता है दैट इज़ सर्व साइज एन इनिशिएटर कोडॉन यानी वेनवर देर इज अ ट्रांसलेशन द फर्स्ट कोडॉन विच इज विच स्टार्ट सिंथिस दर गिविंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट माइनसिप इज कॉल्ड इज इनिशिएटर कोडॉन तो इनिशियटर कोडॉन ए यू जी है और मिथायोनिन भी ए यू जी है सो इनिशिएटर कोडॉन जो होता है उसमें भी मिथायोनिन ही होता है लेकिन इसका थोड़ा सा इसके इसलिए अलग इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग होता है जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ इनिशिएशन एंड मिथेनिन कोडिंग बोथ आर अलट लिटिल बी डिफरेंट ओके तो आप ये समझ लीजिए कि जो कोडॉन्स हैं वो अन एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस हैं यानी वन कोडॉन का सिर्फ वन एंड वन मीनिंग है लेकिन इन केस ऑफ दी इनिशिएटर कोडॉन ए यू जी फर्स्ट ए यू जी इन एनी एम आर एन ए विल बी इनिशिएटर कोडॉन बट आफ्टर द फर्स्ट ए यूजी वट एवर ए यू जी कम्स इट विल कोट फॉर मिथानिन एंड दीज आर नॉट इनिशिएटर्स ओके ये आप अभी ध्यान रखिए बाद में इस और आपको क्लैरिटी हो जाएगा तो दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड्स एंड दिस कोडॉन टेबल सो आई आस्क यू टू रिमेंबर द जेनेटिक कोडॉन्स जेनेटिक कोड्स and the symbols, these three letter symbol for all the 20 amino acids. now there is a little homework here. for example, I have given that for four, there are four codons for one amino acid. okay? so how many such kinds of amino acids are there? हमने अभी थोड़ी देर पहले जनरेट ये जो टेबल है कोडोंस का वो डिस्कस किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि there are five such amino acids for which there are सिबल तो आपको यहां पर लिखना है वॉट आर दोनो एसिड सिमिलरली देर आर थ्री कोडॉन्सिड सो दट वन अमानी सो यू हैव टू मेक दिस एंड यू हैव टू सेंड दिस टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नॉट ऑन द ग्रुप सो दिस इज योर असाइनमेंट इसी तरह से देर आर सर्टेन कोडॉन्स सो फॉर सर्टिन अमाइनोसिट्स देर आर सिक्स कोडॉन्स तो आपको ये सारी लिस्ट बनानी है कुछ कुछ कितने अमाइनोसिड्स के लिए सिक्स कोडॉन है कितने अमाइनोसिड्स के लिए वन कोडॉन है कितने अमायनोसिड्स के लिए टू कोडॉन है कितने अमाइनोसिड्स के लिए थ्री कोडॉन है कितने अमायनोसिट्स के लिए फोर कोडॉन है कितने अमाइनोसिट्स के लिए सिक्स कोडॉन है फाइव कोडॉन किसी कितनी किसी भी अमायनोसिट के लिए नहीं है ठीक है तो उनका नाम भी आपको मैंशन करना है ये टेबल आपको बना करके एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी ओके